हेलो दोस्तों, हाय। रचित ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपका आज का दिन, धनतेरस का दिन, काफ़ी बेहतरीन गुजरा होगा। तो बताइए दोस्त, कैसा गुजरा? मैं भी वेट करती हूँ कि मेरे दो दोस्त हैं को भी अपने हाल चाल देते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें और हमको भी आगे बढ़ाते रहें। आज मैं भगवान कृष्ण को बना रही हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो है उनको मुख उख या बोले तो स्केच अच्छा लगता है। देखो, मैंने उनका ये हेयर स्टाइल भी कर लिया है, आई नोज माउथ जो है सब लगभग रेडी कर ली हूँ। अब गले का हार जो है बना रही हूँ, तो गले का हार जो है थोड़ा या कोई भी जो रहता है बारीकी देना पड़ता है, तो कभी कभी बनाने में भी मिस्टेक हो जाता है। मैं बना रही हूँ हेयर स्टाइल इस साइड का। देखो क्या है, उस समय की बात है जब हजारों साल पहले कृष्ण भगवान जो गोकुल नगरी को कह रहे थे कि हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने जो गाय वोए हैं, जो हमारे इधर उधर के जिनसे हमें कुछ लाभ होता है, हमको उनकी पूजा करनी चाहिए। तो क्या होता है कि गोकुल नगरी कर कहते हैं नहीं, इंद्र देवता कोपित हो जाएंगे, हम लोगों पर गुस्सा हो जाएंगे, तो हम लोगों को क्षति पहुंचाएंगे। तो कृष्ण भगवान बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे रहते कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ, कृष्ण भगवान जब बोले तो गोकुल नगरी अपना पूजा उजा करने लगे गायों को। तो इस पे जो है इंद्रदेव को बहुत गुस्सा लगा। तो इंद्रदेव क्या किए कि बहुत बहुत जैसे बोले कि बारिश इतना करो इतना करो कि सॉरी गोकुल नगरी जो है ना डूब जाए। तो गोकुल नगरी में इतना बारिश होने लगा, इतना बारिश होने लगा कि सब लोग डूबने लगे। और लोग तो कृष्ण भगवान को कहने लगे कि ये आपका ही देन है कि हम लोग आज डूब रहे हैं, क्योंकि हम लोग मना कर रहे थे, लेकिन आप बोले कि नहीं ऐसा नहीं, जब हमसे इधर उधर हमारे हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं। तो कृष्ण भगवान ने बोले, मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो वहीं गए, अपना एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिए, और गोवर्धन पर्वत को उठा लिए इसके बाद सारे सारे गोकुल नगरी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और बाढ़ से बच गए। उसके अंदर जैसे गाय वो जो इंसान थे सब लोग आ गए। तो फिर इसके बाद इंद्र बहुत कोशिश किए लेकिन कुछ हो नहीं हुआ। फिर इंद्र भी अपने गलती पर पछताए और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगे, और पूरी गोकुल नगरी तब खुशी से उत्साहित हो गई। तो गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किया था, वही स्केच मैं बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, लगभग मेरा स्केच बन के रेडी हो गया। बांसुरी उसरी भगवान के हाथ में पकड़ा दिए हैं, भगवान अपनी उंगली पर अभी पर्वत नहीं लिए हैं, अभी बनाना है बाकी है। अभी उनके जो गले में माला है उसको बना रही हूँ। तो देखिए भगवान अपना जो पैर है इधर उधर करके बांसुरी लिए कर धुन में एकदम मगन हो के अपना हाथ ऊपर करके गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं। भगवान कृष्ण की मोहिनी मूरत, सावनी सूरत किसको नहीं लोभित करती है, हर कोई देखता है तो आनंद विभोर हो जाता है, देखते रहता है, मस्त मगन हो जाता है। कहते हैं ना, मस्त मगन हो झूमे, भोरे भोरे सबसे पहले माई चरण चूमे। तो ऐसे ही सब लोगों को कृष्ण भगवान की जो है सामने सूरत मोहिनी मूरत देख के एकदम आनंद विभोर हो जाते हैं। कृष्ण
कृष्ण भगवान की लीलाएं अपरंपार हैं, उनके दिल में सारी दुनिया समाई है। हम तो उनके छोटे से नन्हे से भक्त हैं, जो दुनिया में यही कहते हैं, हे भगवान मेरी बेड़ा पार करो, हे भगवान मेरी नैया पार करो। यही कहते हुए हम जिंदगी जीते हैं। कहते हमें कोई इच्छा नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता कि कोई इंसान है जो इच्छा ना रखता हो। हर कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है या गुरुद्वारा जाता है, कहीं भी जाता है, लेकिन इच्छा तो रखता जरूर है। मेरा बच्चा ठीक रहे, मेरे पति ठीक रहे, मेरा तरक्की होता रहे, मेरे ये ठीक रहे, मेरे वो ठीक रहे, मैं आगे मुकाम पर बढ़ती रहूं, मेरा कारोबार अच्छा रहे, मेरा ये रहे वो रहे। हमको तो लगता है यही सब लोग चाहते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इच्छा ना रखे। कहते हैं कि एक भिखारी भी भीख मांगते हुए कहते हैं, भगवान के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। वो भी तो यही इच्छा रखता है, हे भगवान हमको भी भूखा मत छोड़ो, भगवान हमको दे दो भोजन। कहते हैं कि सब लोग मांग मांग के भगवान से ही अपना भंडार पूरा करते हैं। इस दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया से जाना तो है ही, इस दुनिया में आए हैं इस दुनिया से जाना तो है ही। कुछ कर दिखाओ यारो, कुछ कर दिखाओ यारो, कुछ करके जाओ यारो, हमें है इस दुनिया में अपनी शान बढ़ानी यारो। आए इस जिंदगी में, आए इस पृथ्वी पर बहुत वीर जवान, आए इस पृथ्वी पर बहुत वीर जवान, जो हो गए कामयाब।